क्लास 9 बीबीसी कॉम्पैक्टा। आज हम इसका पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 रीडिंग। ये देख सकते हैं आप मॉड्यूल 1 रीडिंग। आज हम इसकी असाइनमेंट 1 करेंगे। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, तो जितने भी असाइनमेंट्स हैं मैं हर एक असाइनमेंट का एक पार्ट बनाऊँगा, तो इसीलिए पूरी वीडियो देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, ये मॉड्यूल 1 का पहले डिस्क्लेमर है एक टाइप से, तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं पढ़ने से। मैं पढ़ता हूँ, पहले मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, उसका मैं आपको इसका हिंदी में मतलब समझाऊँगा। स्टूडेंट्स हैव टू रीड अ लॉट फॉर देयर कोर्सेज बोथ एट द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। इन एडिशन टू लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स दे गेट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर देयर कोर्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स एंड एग्जामिनेशन थ्रू रीडिंग ओनली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू ट्रेन देमसेल्व्स इन रीडिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली। स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। जो अगर कुछ भी उन्हें करना है, जैसे अभी भी मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ना पड़ रहा था ये, आगे भी जो हम पढ़ेंगे तो हमें रीड करना पड़ेगा। अगर आप भी ये पढ़ेंगे तो आपको भी रीड ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जैसे हमारा असाइनमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हमारे MCQs वगैरह जो भी हमें दिया जाता है, कोर्स असाइनमेंट्स जैसा इन्हें बताया गया, कोई भी नॉलेज पढ़नी तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा उसको, चाहे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हो चाहे हम स्कूल लेवल पे हो। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या है, उन स्टूडेंट्स को अपने को ट्रेन करना, कि मतलब अपने को ऐसा बनाना कि वे जल्दी से और अच्छे से पढ़ पाए, इफेक्टिवली मतलब अच्छे से उसका कोई इफेक्ट पड़े। ये नहीं कि बस रीड कर दिया, आती नहीं इंग्लिश। रीडिंग इज़ क्विक व्हेन इट इज़ डन इन अ स्टिपुलेटेड टाइम एंड अफेक्टिव व्हेन इट इज व्हेन इट यील्ड्स मोस्ट ऑफ द मीनिंग इट टेक्स्ट कैरीज विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। रीडिंग इफेक्टिव कब होती है और क्विक कब होती है? तो रीडिंग क्विक कब होती है? जब वो एक शॉर्ट समय के बीच में, मतलब स्टिपुलेटेड टाइम के बीच में कवर की गई हो। और अफेक्टिव तब होती है जब उसने मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंग निकाला हो एक उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ही, मतलब जल्दी भी की गई हो और वो अफेक्टिवली भी की गई हो, तो वो होती है एक परफेक्ट रीडिंग। अब हम शुरुआत करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग से। पहले हम पढ़ेंगे प्रीव्यू। तो प्रीव्यू है, ए प्रीव्यू इज़ ए गेस अबाउट द नेचर ऑफ द टेक्स्ट विदाउट एक्चुअली रीडिंग द मेन बॉडी। प्रीव्यू जो होता है वो एक टाइप से गैस लगाना होता है, हाँ भाई कि ये गैस है इसका, कि ये मतलब मैंने निकाल लिया, प्रीव्यू पढ़ लिया। तो किसी भी अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें पहले, या फिर पैराग्राफ नहीं तो कोई भी चीज़ का, किसी मैगजीन का प्रीव्यू पढ़ रहे हैं तो हम प्रीव्यू से पता लगा सकते हैं अंदर क्या है। अगर हमें प्रीव्यू अच्छा लगेगा तो हम सोचेंगे, जैसे ट्रेलर होता है मूवीज़ का, आपने देखा होगा मूवीज़ का ट्रेलर होता है, वैसे ही एक टाइप से कोई भी पैराग्राफ का प्रीव्यू होता है। सो इट हेल्प्स यू गेट द जनरल सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। वो आपको मदद करता है एक जनरल सेंस टेक्स्ट की क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको, वो बताता है वो। यू नीड टू पे अटेंशन टू द टाइटल सब टाइटल हेडिंग एंड हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज द नेम ऑफ द ऑथर। जो भी हमें उसमें ऑथर बताए जाते हैं, हाईलाइटेड टेक्स्ट बताए जाते हैं, हमें कोई हाईलाइटेड पार्ट बताया जा रहा है उसमें, टाइटल सब टाइटल हेडिंग, अगर कोई हमें वर्ड मीनिंग बताया जा रहा है, ऑथर का नाम है, तो उन सब पे हमें मतलब अटेंशन देनी है। वो सब हमें बाद में समराइज करने में मदद करेगा, समरी बनाने में मदद करेगा। हैविंग ए लुक एट द अकंपनिंग ग्राफ्स टेबल्स एंड और डायग्राम्स एंड देयर कैप्शंस इज आल्सो यूजफुल। कैप्शंस क्या होते हैं? कैप्शंस जैसे यहाँ पे मेरी एक ड्राइंग बनी हुई है, उसके नीचे जो लिखा होता है कैप्शंस, उसको कहते हैं कैप्शंस। वो जरूरी होता है जब हम पेपर में कोई भी डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो उसके नीचे में हम कैप्शंस लिखने होते हैं। कोई भी अगर उस पैराग्राफ के अंदर रीडिंग के लिए ग्राफ्स है, टेबल्स है, डायग्राम्स है, उनके कैप्शन है, ये सब भी ध्यान से पढ़ो। प्रीव्यू पहले पढ़ो एक टाइप से, प्रीव्यू प्री मतलब पहले, और व्यू मतलब देखना, एक बार उसमें आंखें फिरा लो। अब हम पढ़ेंगे स्कीमिंग। स्कीमिंग हेल्प्स यू बिकम फैमिलियर विद द टेक्स्ट। इट इन्वॉल्व्स रनिंग योर आई वेरी क्विकली ओवर ए लार्ज चंक ऑफ टेक्स्ट व्हाइल प्रीव्यूइंग इज डन एट द होल टेक्स्ट। मतलब इससे क्या बताया जा रहा है कि जो प्रीव्यूइंग होती है वो पूरे टेक्स्ट को प्रीव्यू किया जाता है, और जो हमारी स्कीमिंग होती है वो होती है बस ऐसे, मतलब ये मेरा पूरा है, ये जैसे इतना बड़ा बड़ा जो भी दे रखा है मैंने उसको रीड किया, जो मुझे उसके मतलब लगे मैंने उसको नोट्स बना लिए उनके, उसमें मतलब एक चंक ऑफ टेक्स्ट में दिया जाता है। और प्रीव्यूइंग जो होती है वो पूरा पैराग्राफ से ही किया जाता है, फुल पैराग्राफ जितना भी हमें दिया गया है। व्हाइल प्रीव्यूइंग इज डन एट द होल नेक्स्ट लेवल, होल टेक्स्ट लेवल सॉरी, स्कीमिंग इज डन एट द पैराग्राफ लेवल। इन ऑर्डर टू स्कीम ए टेक्स्ट पे अटेंशन टू द पार्ट्स दैट आर हाईलाइटेड बोल्ड इटैलिकाइज्ड अंडरलाइंड क्वोटेड और कलर्ड। जो पार्ट मतलब अगर हमें स्कीमिंग करनी है तो उसके लिए हमें जो पार्ट हमारा हाईलाइटेड है, इटैलिकाइज्ड है, या फिर हमारा कोई भी पार्ट क्वोटेड है, कलर्ड है, हमें उन पर ध्यान देना है।
Glide your eyes over the text very quickly. Do not read the whole paragraph. Just look for the topic sentence, which is actually the opening, the conclusion sentence, and find out what the paragraph is saying about. एक टाइप से हमें पहले इसकी प्रस्तावना निकाल लेनी है, जो हमें पहले बताया जा रहा है कि ये हाँ भाई हमारा जो है उसमें क्या है, मेन बात क्या बताना चाह रहे हैं. जो एक एक पैराग्राफ लिया उसको जल्दी से देख लिया, पढ़ना भी नहीं है उसको. उसके कोई भी टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक जैसे मैंने बताया, क्वर्टेड है, कोई कलर कर रखा है, वो हमें हिंट दी जाते हैं हाँ भाई ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे ही मतलब पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत ही नहीं है हमें. जो जो बोल्ड इटैलिकाइज्ड वर्ड लग रहे हैं उसी से हमने आइडिया लगाना है इस पैराग्राफ में क्या हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे स्कैनिंग. यू कैन स्कैन ए टेक्स्ट बाय स्वीपिंग योर आइज ओवर ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. स्कैनिंग मतलब जैसे मैंने इसके ऊपर आंखें फिराई, बस मैंने स्कैन कर लिया, मैंने देख लिया इन्फॉर्मेशन के पार्ट्स, स्पेसिफिक पार्ट. जो स्कीमिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर आंखें फिरानी होती है मोटे मोटे अक्षरों में. एक टाइप से देखा जाए तो मोटा मोटा देख लेना होता है उसको. और प्रीव्यू क्या होता है, वो पूरे पूरा का पूरा पैराग्राफ वो देखना होता है. उसके अलावा फिर अब हम स्कीमिंग में आगे पढ़ते हैं. यू कैन वंस यू हैव प्रीव्यूड एंड स्कीम्ड थ्रू ए टेक्स्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर स्पेसिफिक और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. स्टोर पैट न्यू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेज एंड ट्रांजिशंस इन ए टेक्स्ट. मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है, अब हमें प्रीव्यू कर चुके हैं हम, हमारा प्रीव्यू हो चुका है, उसके बाद हमारा स्कीम हो चुका है टेक्स्ट. तो अब क्या करेंगे हमें, और स्पेसिफिक और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. मतलब फर्स्ट लेवल एक टाइप से लगा लो, फर्स्ट लेवल है हमारा प्रीव्यू, और उसके बाद सेकेंड लेवल हमारा स्कीमिंग, थर्ड लेवल है हमारा स्कैनिंग, और उसके अलावा फिर आगे भी लेवल है इंटेंसिव रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग. तो अब हम वो भी पढ़ेंगे एक एक करके. तो वीडियो को अगर आपने अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. स्कैनिंग, अब हमने स्कैनिंग का आधा पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे. स्टॉप एट न्यू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेज एंड ट्रांजिशंस इन ए टेक्स्ट. वंस यू हैव लोकेटेड अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नीड मार्क इट इन द सेम वे और द अदर यू हैव टू कम बैक टू इट. जो भी अगर हमने एक बार वो टेक्स्ट पढ़ लिया है तो उसके बाद उसमें मतलब हमें देखो क्या है, उसमें फ्रेजेस निकालो, कोई ट्रांजिशन निकालो. जैसे हमने स्कीमिंग की ना वैसे ही स्कैनिंग करनी है. बस स्कैनिंग में क्या है, हमें मार्क करना है जिससे हमें मार्क्स मिलेंगे बाद में समराइज करने में, ये भी हेल्प करेगा. अब इसके बाद है इंटेंसिव रीडिंग. When you read a text in great detail and in a focused way in order to extract the intended meaning of the text, you are doing intensive reading. मतलब हम उसके टेक्स्ट पे फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस में देख रहे हैं उसका, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मीनिंग, तो उसको इंटेंसिव रीडिंग कह रहे हैं. जैसे जो अभी तक हम कर रहे थे वो थे इंटेंसिव रीडिंग. स्टार्ट एट द बिगिनिंग, अंडरलाइन एनी फैमिलियर वर्ड और फ्रेज प्लीज, बट डू नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ योर रीडिंग. मार्क द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अपना एक फ्लो मत रोको, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो मार्क करना है मार्क करो, और जो भी मतलब हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो करो. तो उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग. मेक ब्रीफ नोट्स इफ नेसेसरी, आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज एंड देयर सपोर्टिंग आइडियाज, डेसिफर द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम सराउंडिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन ए पैराग्राफ एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज. जो भी उसके मीनिंग है पैराग्राफ के, मीनिंग जो भी कुछ कर सकते हैं उस पैराग्राफ में वो चीज़ करो अपना. मतलब जितना भी कुछ उस पैराग्राफ से नोट्स बना सकते हैं हम, समरी बना सकते हैं, वो बनाने की कोशिश करो, जो कि हमारा क्रिटिकल रीडिंग का एक पार्ट है. अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रीडिंग. क्रिटिकल रीडिंग टेक्स प्लेस व्हेन यू एक्टिवली ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आइडिया हैज़ बीन अराइव्ड एट एंड इवेल्यूएट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. It is all about recognizing the writer's purpose and the underlying assumptions and values. Identify the partners of the arguments presented in the text and linking ideas in the text to the other ideas and text. Thus, critical reading is reading in depth and questioning what you read. क्रिटिकल रीडिंग जो हमें अभी हम करने वाले हैं वो होती है क्रिटिकल रीडिंग. हम पढ़ेंगे टेक्स्ट को समझेंगे उसकी, हमें इंटेंसिव रीडिंग करेंगे. पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले प्रीव्यू करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद प्रीव्यू करेंगे, स्कीमिंग करेंगे उस टेक्स्ट की, स्कैनिंग करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, फिर एट लास्ट हम क्रिटिकल रीडिंग करेंगे, जिससे हमारा ये हो जाएगा. अब हम पढ़ेंगे फाइव आर मेथड फॉर इफेक्टिव रीडिंग. फॉलो द SQ 5R मेथड्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग. The acronym SQ5R stands for survey, question, read, respond, record, recite and review.
SQ5R ये एक शॉर्ट फॉर्म एक्ट है, जैसे 3 R's होता है ना वैसे, जो रीयूज रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, जो 4 R's बन चुका है अब, तो वैसे ये SQ5R है, जिसका क्या है मतलब, जो क्या स्टैंड करता है, सर्वे, एस क्यू क्वेश्चंस, 5 R मतलब 5 R से रिलेटेड, रीड रिस्पॉन्ड रिकॉर्ड रिसाइड एंड रिव्यू. This method enables students to actively study text and textbooks by processing information actively, which in turn leads to higher memory and mastery of the knowledge material. इसमें क्या है, हमें क्या मदद मिलती है हमें इससे, इससे जो स्टूडेंट होगा उसको एक्टिवली इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा, और इससे जो मास्टरी होगी उस मटीरियल में, जो मैंने पढ़ा उसका मुझे पता लग जाएगा. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्वेश्चन टाइप ऑफ टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर नॉर्मली नॉट ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, विच मीन्स देयर आंसर आर मोस्ट फैक्चुअल एंड डील विद फाइनर पॉइंट और डिटेल ऑफ द टेक्स्ट. सच क्वेश्चंस आर जनरली टू बी आंसर्ड इन ए वर्ड और ए वेरी शॉर्ट फ्रेज और सेंटेंस. अनलाइकली द MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैज नो ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, OTQs, जैसे हमारा MCQs होता है, VBQs होता है, VSATQs होता है, वैसे ही हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट में OTQ. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट्स बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, मेनली इनको फाइनर पॉइंट्स में ले जाने की इतनी जरूरत नहीं होती है, मगर हमें जो टिप पकड़नी होती है एकदम एग्जैक्ट बताना होता है. ये नहीं कि हम बता किसी और चीज़ की रहे हैं, क्वेश्चन किसी और चीज़ पे पूछा है, ये नहीं करना है. इसमें जो हमें एकदम टिप टू टिप जाना है, हमें ऑडियंस को जो हमारा टीचर है उसको बहलाना नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से वहाँ ले गए उस टीचर को, नहीं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर लेके जाना है OTQs में, नहीं तो उसकी कोई मेहनत नहीं होती. या तो एक सिंपल वर्ड का आंसर दो, नहीं तो उसमें एक दो सेंटेंस कर लो, उससे ज़्यादा का नहीं करना चाहिए. MCQs की तरह इसमें चॉइस ही नहीं होती. और दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस. दे टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कैन बी आंसर्ड इन ए फ्रेज क्लोज लाइन और शॉर्ट सेंटेंस. वो क्या करते हैं, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, उसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करते हैं, वो एक फ्रेज में, क्लोज लाइन में या फिर शॉर्ट सेंटेंस में किए जा सकते हैं. Sentence completion questions. In these types of questions, students are required to complete an incomplete sentence or statement taking information from the given text. This may require them to change the form of a word or rephrase an expression for use an alternative structure to form a correct answer. Sentence completing questions क्या होते हैं? Basically कई question ऐसे होते हैं, complete the sentence या फिर कोई भी fill in the blanks, जिनको हम बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, उन्हीं को SCQs कहते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस. एक सेंटेंस देर का हो, उसमें एक गैप होगा, उसको फिल कर देना है, हमारा सेंटेंस बन जाएगा, एकदम सेंटेंस जैसा बनाना है. अल्टरनेट स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा हमें उसकी वर्डिंग्स चेंज हो सकती है, उसके मीनिंग्स चेंज हो सकते हैं, मगर जो उसका अल्टरनेट मीनिंग, जो मेन थीम निकलेगा उसका, वही सेम रहना चाहिए. अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सच क्वेश्चन इन्वॉल्व interruption of ideas, drawing conclusions and interferences and establishing correlations between different parts of the text. Their answer may run into 2 or 3 lines or about 30 to 40 words. Short answer type questions. So basically इनका क्या है, short answer type question, ये तो हम इनको तो बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा आसान है ये तो. जो हम डेली लाइफ में जो छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं, जो 30-40 वर्ड्स में होते हैं, मेनली उनको कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आइडिया ड्राइंग वाले ये सब बताना है. हम शुरुआत करते हैं MCQs से. ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज अ स्टेटमेंट कॉल्ड ए स्टेम विच इज़ फॉलोड बाई 3 or 4 ऑप्शन एंड आंसर ओनली ऑफ विच इज़ वैलिड. द इनकरेक्ट ऑप्शन आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स एंड दे आर इंटेंडेड टू मेक गैसिंग करेक्शन आंसर्स increasing difficulty for a student. These distractions appear to be so plausible, मतलब वो possibility से हो सकते हैं, that in their hurry or carelessness students can and often do marks them as correct answers. जो multiple choice question होते हैं वो एक type से बच्चे को मतलब बहलाने के लिए बनाए जाते हैं. बहलाने का मतलब है कि उलझाने के लिए उस बच्चे को. multiple type questions में जो अलग अलग questions होंगे ना हमारे, जो 4 उसके आंसर्स दे रखे होंगे ना, कोई अगर जल्दी में कर रहा होगा वो सोचेगा भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है.
अब मान लो हमें कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा छोटा सा और हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, फिर हम बहुत जल्दी जल्दी में जल्दी पेपर करना है, तो वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन होते हैं, आप जल्दी जल्दी पेपर करने लग जाओगे ना तो आप गलत पे ही दबा दोगे। और लिखा गया जैसे ऑफन ज़्यादातर स्टूडेंट से गलती करते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे सम टिप्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। रीड द पैसेज साइलेंटली एंड केयरफुली विदाउट यूजिंग ए क्यू लाइक ए फिंगर टिप और ए पेन। मतलब हमें जैसे मैं रीड करने लग रहा हूँ तो ना मैं एक फिंगर टिप की यूज़ कर रहा हूँ ना मैं पेन की यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे पढ़ना चाहिए हमें। फ्रॉम ए रफ आइडिया अबाउट द कंटेंट्स एंड फोकस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम इट्स टाइटल्स एंड सबटाइटल्स एंड पैराग्राफ हेडिंग्स। रफ आइडिया लेके उसके पैराग्राफ के टाइटल सबटाइटल्स पे फोकस करो और हेडिंग्स पे। रीड इन सेंस ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर मेक ए कम्प्लीट मीनिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग वन वर्ड आफ्टर अनदर। जैसे अगर मैं इसको रीड करूँ रीड इन सेंस ग्रुप्स तो कैसा अटपटा सा लग रहा है। रीड इन सेंस ग्रुप्स मतलब हमें ऐसे पढ़ना है कि समझ में भी आए, जैसे अभी तक पढ़ रहा था तो शायद आपको समझ में आया होगा, तो वैसे ही हमें ऐसे पढ़ना है। एज यू रीड कीप नोटिंग डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लिसन मेजर आइडियाज फॉर क्वेश्चनिंग आर ओपन बेस्ड ऑन देम। मेजर आइडियाज ऑफ क्वेश्चन मतलब जो लिस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमें दे जा सकता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, वर्ड मीनिंग आ सकता है चैप्टर में से, ज़्यादातर आते भी हैं। डू नॉट रीड अलाउड और मटर और सब वोकलाइज वर्ड इन टू हेड। फॉर डूइंग सो यू कैन डिस्ट्रैक्ट यू एंड स्लो डाउन योर रीडिंग स्पीड। अगर हम मटर करेंगे रीड अलाउड करेंगे, जैसे मैं तो अभी आपको बताने के लिए जोर जोर से पढ़ रहा हूँ, नहीं तो आपको अपना मन में साइलेंटली पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए अब हम और उसको सब वोकलाइज करो मतलब मन में पढ़ो उसको, ताकि और कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारी भी रीडिंग स्लो डाउन ना हो। क्वेश्चंस एंड देयर आंसर आर को क्वाइट ऑफन बेस्ड ऑन दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, स्टैटिक्स, रीजंस, कॉजेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिजल्ट्स, इफेक्ट्स, फैक्टर्स, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक, क्वालिटीज, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, डाटा, डेट्स, इवेंट्स, करेक्टर ट्रेट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पर्पज एंड फंक्शंस एक्सेट्रा। जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इतनी चीज़ें बता दी बस, क्वेश्चंस फैक्ट्स पे, स्टैटिक्स पे, मतलब जो उसकी हाँ हर चीज़ की फैक्ट बताया उसमें, कोई स्टैटिक बताया, रीजन, कोई कॉज हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई किसी दो बंदों के बीच तो उसके में क्वेश्चन आ सकता है, अफेक्टिव रीडिंग के, और मतलब कोई भी हमें अफेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए अफेक्ट के, फैक्टर के, फीचर्स के, मतलब जितने ढेर सारे ऑप्शन दे रखे एक्सेट्रा भी डाल दिया लास्ट में, तो मतलब कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पे स्पेशल अटेंशन टू ट्रिगर एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स और कोहेसिव डिवाइसेस इन द टेक्स्ट। जो मतलब स्पेशल अटेंशन दो ट्रिगर कोई वर्ड का, मतलब ऐसा कोई प्रेशर वर्ड हो ना जिस वर्ड से अभी आपको लग रहा है कि ये वर्ड आ सकता है एग्जाम में, मैम ये वर्ड डाल सकती, तो उस वर्ड को नोट डाउन कर लो। दे ऑफन इंक्लूड ऑथर, दे ऑफन इंडिकेट ऑथर्स ओपिनियन, मूड, आर्ग्यूमेंट्स एंड जॉइन वन आइडिया विद अनदर। फॉर ए कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट डूइंग सो यू कैन you will be able to analyze how the ideas or arguments progress or develop in a passage. मतलब special attention on triggers, उन सब पे special attention देने से हम ये समझ जाएंगे कि कैसे हमारे ideas और वे सब उस पर work करते हैं, मतलब हमारा जो भी analysis बना पाएंगे, हाँ कि author क्या कहना चाह रहा है, author किस हिसाब से है, एक rough analysis बन जाएगा हमारा। Read a sentence, shut the book and try to recall the entire sentence. Verbatim. This will immensely facilitate your ability to understand a text. एक sentence पढ़ो, book को shut कर दो, उसको recall करने की कोशिश करो, अगर आपने recall कर लिया आपकी learning power बढ़ रही है इससे, और catching power बढ़ रही है आपकी, और reading power भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि आप एक ही बार पढ़ोगे तो आप बहुत effectively पढ़ने की कोशिश करोगे कि आपको याद हो जाए। Never jump a line or a paragraph in your hurry to answer the given questions. पैराग्राफ वगैरह इनको छोड़ मत दो कि जल्दी मार्क्स के चक्कर में पेपर ख़त्म होने वाला है, तो कम से कम हमें इतना टाइम बचाना चाहिए कि हम उसमें कर सके पेपर में, क्योंकि अगर हम एक भी सेंटेंस स्किप कर देंगे तो उससे क्या होगा हमारा, हम पढ़ेंगे नहीं सेंटेंस को, उसके बाद क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो सोचेंगे ये तो क्वेश्चन पैराग्राफ में था ही नहीं, पर क्या पता हमने क्वेश्चन ही रीड किया, तो इसीलिए क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं। ब्रीथ वेल, स्टे काम एंड कॉन्सेंट्रेट हार्ड व्हेन यू आर रीडिंग ए पैसेज। अच्छे से पढ़ो, सांस ले लेके पढ़ो, स्टे काम मतलब ठंडे रहो और कॉन्सेंट्रेट करो, ये नहीं हड़बड़ी में बस जल्दी जल्दी कर देना है मैंने बस पैराग्राफ करके छुट्टी, नहीं,
जल्दी जल्दी पढ़ो, और जल्दी जल्दी नहीं आराम से पढ़ो और अपना कॉन्सेंट्रेट करो कि ताकि हमें, मैंने बताया ना को स्टिपुलेटेड टाइम में एक करेंगे तो हमें जो अफेक्टिव और स्पीड बढ़ेगी हमारी, तो वैसे करना है हमें। आंसर ए क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स बट डू नॉट बॉडीली लिफ्ट एन एंटायर फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज वेयर एन आंसर इज टू बी रिटन इन ए सेंटेंस। डू नॉट मेरली राइट ए फ्रेज और ए सिंगल वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू राइट एन आंसर इन द सेम टेंस एज द क्वेश्चन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो अपने खुद के वर्ड्स में अगर आप आंसर लिख रहे हो ना तो उसका मतलब ही मत चेंज कर दो। अगर आप खुद के वर्ड्स में लिख रहे हो तो उसका मतलब वही रहना चाहिए। तो एंटायर फ्रेज क्लॉज मतलब जो है, कोशिश करो कि टेंस तो सेम ही रहे, और कोशिश करो याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी नहीं याद होते वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खुद समझ के उस सेंटेंस में से जो एनालाइजिस निकाल के उससे खुद ही बना के लिखता हूँ। मगर अगर कोई हमारा पास्ट की बात चलने लग रही है तो उसको प्रेजेंट में नहीं लिखना होता है, पास्ट की बात पास्ट में ही रहने दो, प्रेजेंट में लाकर फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए उससे मार्क्स कटेंगे ही, बढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए इसके साथ हमारी टिप्स ख़त्म हो गई है, अब हम शुरुआत करेंगे हमारी असाइनमेंट वन। अब हम शुरू करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट वन। नेम प्रियांश है मेरा, क्लास में सेक्शन है 9th B, ये मैंने वैसे लिख रखा है 9th का। तो हम शुरुआत करेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। रिलक्टेंट एलिफेंट, व्हाट इज के वेयर इज केसवान, येल्ड द हेड प्रीस्ट। हेड प्रीस्ट ने क्या पूछा, केसवान कहाँ पे है। एज द टाइम टू टेक द आइडियाज अराउंड द प्रहराज वॉज नियरिंग, देर वॉज नो साइन ऑफ द बेड एक्ड पैचीड्रम एट द टावर गेट। मतलब उसके जो केसावान कौन है, केसावान है एक हाथी, केसावान एक उसको मतलब एक टाइप से गॉड माना जाता है, हाथियों का गॉड, गॉड गजानंद। तो वो हमेशा मतलब मंदिर का एक टाइप से डायटी है, वो एलिफेंट डायटी। तो उसको मंदिर के जो प्रीस्ट होते हैं वो हर दिन एक पूजा के लिए बुलाते हैं, तो आज वो आता नहीं है। तो प्रीस्ट जो महोट होता है उसका, उससे बोलते हैं कि जाओ देख के, उसको गुस्से में बोलते हैं क्योंकि प्रीस्ट की जो टाइम है आइडियल्स को रखने का, वो अपनी कमर पे आइडियल्स रख के लेके जाता है, तो वो रखने का टाइम जाता जा रहा है। तो प्रीस्ट बोलते हैं जाओ जल्दी से बुला के लेके आओ उसको। तो द महोट केम रनिंग टू से दैट द एनिमल वॉज ऑफ कलर, ऑफ कलर मतलब एंग्री, ऑफ कलर एंग्री, या फिर हम लगा सकते हैं एनिमल को मतलब वो था बहुत मतलब रिफ्यूज था, ऑफ कलर मतलब उड़ा उड़ा सा कलर था उसका, फीका फीका, कहने का मतलब वो मूडी नहीं था, सल्किंग था वो, सल्क एक टाइप से कर रहा था। इट हैज़ रिफ्यूज टू कम टू द पॉन्ड फ्रॉम द फॉर द रिचुअल बाथ और टू टेक द फूड ऑर्डर्ड ऑफर्ड, सॉरी। तो वो मतलब रिफ्यूज़ करता है पॉन्ड में जाने के लिए, रिफ्यूज़ कर जाता है जहाँ पर उसको एक पारंपरिक नहाया नहलाया जाता है, और वो जो उसको खाना मिलता है उसको भी ऑफर करने से मना कर देता है। तो मतलब और उसको जो कपड़े जो उसको कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो फेंका जाता है वो कपड़ा भी नहीं फेंकने देता है वो। महोट टोल्ड द प्रीस्ट दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हिज वर्ड्स पेटलनेस, ही कुड नॉट गेट द एलिफेंट रेडी फॉर द डेज प्रोसेशन सॉरी। सो महोट क्या बोलता है कि वो उसको नहीं कर पाएगा आज रेडी अपने वहाँ ले जाने के लिए। तो इसलिए फिर क्या होता है, महोट उससे मतलब सॉरी मांग लेता है। अब उसके बाद द महोट रिटर्न टू द एलिफेंट शेड एंड फाउंड केसवान स्टिल सल्किंग, बट ए कंट्रास्ट टू द मॉर्निंग रूटीन। एवरी डे इट वुड बी ऑन इट्स फीट विद ए मेरे प्रॉड। प्रॉड क्या होता है, मतलब ही वुड वेक अप विद जस्ट ए पोक ऑफ फ्रॉम फिंगर, मतलब ऐसे उसको हाथ भी लगा दोगे आप तो उठ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, अब वो आज वो उठ ही नहीं रहा है। इट वुड देन वॉक टू द पॉन्ड एंड अलाउ द महोट टू वॉश एंड स्क्रब इट। बैक एट द शेड इट वुड ईट शुगर केन जैगरी एंड फ्रूट्स, देन इट वुड लेट द महोट अप्लाई विभूति एंड सैंडल पेस्ट ऑन इट फॉर इन इट्स फॉरेस्ट एंड ट्रंक। Then it would kneel and allow the cloth to be thrown over it and mahout placed on its back. Once ready, it would walk to the temple Gopuram and wait with the mahout till the priest's call came. मतलब normally क्या करता था केसवान, आज तो वहीं बैठा sulking, मतलब ना हिल रहा है डुल रहा है ना, मतलब एक अजीब सा मूड बना रखा उसने। नहीं तो और दिन क्या करता था वो केसवान, और दिन तो जैसे उसको मतलब उंगली से भी टच करते थे ना वो उठ जाता था, और उठते ही वो क्या करता था, उठते ही वो करने लग जाता था वो
उठते ही मतलब जैसे ही उठा उसको वो पॉन्ड में ले जाता था, उसको मैं आउट करता था, जैसा हमने पढ़ा कि मैं आउट उसको स्क्रब करता था, वॉश करता था उसको, और उसके उसको खाना खिलाता था, फिर उसके ऊपर विभूति और सैंडल पेस्ट लगाता था, चंदन का पेस्ट, और फिर उसके बाद ऐसे ही मैं आउट करता था, और फिर वो वहाँ तक ले जाते थे, तो उसको टेम्पल में जहाँ पे गोपुराम टेम्पल में जहाँ पे वे दोनों वेट करते थे प्रीस्ट की कॉल का. People visiting the temple would offer it bananas and coconuts. Some who wanted to bless would offer it coin as it touched their heads lightly with its trunk. When it was time for the procession, it would kneel so that the idol could be placed on the mount. Then it would walk around the compound led by the temple musician and followed by the jostling crowd. मतलब वो क्या करता था, उसको लोग केले और क्या कहते हैं नारियल ऑफर करते थे उसको, जो उसको जो उससे दुआएं कर लेना चाहते थे वो उसको पैसे देते थे, जैसे जब वो उनके सिर को लाइटली अपने ट्रंक से टच करता तो उसको पैसे देते. टुडे केसवान इज़ नो मूड टू फॉलो द डेली रिजमेन. टुडे आज केसवान किसे मूड में नहीं लग रहा था अपने रोज के रोज़मर्रा के काम करें, जो उसका रोज़ का क्या रूटीन था यहाँ पे हमने पढ़ा, रोज़ का उसका क्या रूटीन था एवरीडे वाला, ये था हमारा इसका रोज़ का रूटीन, तो आज वो करने को रेडी नहीं था. द महोट अनहैप्पी एट द फेलियर ऑफ द मॉर्निंग प्रोसेशन वेंट होम फॉर ब्रेकफास्ट. देयर ही फाउंड गोपू हिज सन स्टिल प्लेइंग. ही आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई गोपू हैड नॉट गॉन टू स्कूल. शी एक्सप्लेन्ड दैट द चाइल्ड हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम हॉलिडे एंड नीडेड अ लिटिल ब्रेक बिफोर रिज्यूमिंग हिज रूटीन. गोपू वॉज ए गुड स्टूडेंट एज इज मदर वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड रिज्यूम शेड्यूल ऑन हिज ऑन. सडनली द मैन हट अंडरस्टूड वाई केसवान हैज बीन सो रिकैल्सिट्रेंट दैट मॉर्निंग. इट हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए मंथ लॉन्ग कैंप एट मुडुमलाई वेयर इट हैड अ ग्रेट टाइम एडमिस्ट वॉस्ट ओपन स्पेसिस अनफेटर्ड बाय थ्रोंगिंग ह्यूमंस. तो अब केसवान अब मायोट क्या होता है, मायोट वो देखता है अभी आज तो उसका हो ही नहीं पाया तो वो दुखी हो जाता है और फिर वो अपने घर आ जाता है कि ब्रेकफास्ट तो कर लूँ कम से कम, अब उसका तो क्या है, अब उसने तो हो गया सो हो गया. अब मायोट जब घर आता है तो देखता है उसका जो बेटा होता है गोपू वो अभी भी खेलने ही लग रहा होता है. मायोट पूछता है कि ये खेलने को लग रहा है, अपनी वाइफ से पूछता है तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, उसकी वाइफ बोलती है कि ये इसलिए खेल रहा है क्योंकि अभी ये अभी अभी ये आया था उसकी ट्रिप से आया था, मतलब अपनी हॉलीडेज इसकी ख़त्म हुई थी तो अभी इसको एक थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए अपने शेड्यूल पे जाने के लिए, तो इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं. और गोपू जो होता है वो बहुत अच्छा लड़का होता है और उसकी मम्मी इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि वो अपना शेड्यूल कर लेगा. फिर मायोट को समझ में आता है कि केसवान जो है वो इतना आज दिन में ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो भी अभी तो एक नए एक महीने लॉन्ग कैंप से लौट के आया था तो इसीलिए उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए था. तो केसवान लाइक गोपू प्रोबेबली नीड अ पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट बिफोर इट रिज्यूम टू इट्स नॉर्मल शेड्यूल. केसवान को भी टाइम चाहिए था अपने नॉर्मल शेड्यूल पर रिटर्न करने से पहले. तो ये था एक पैराग्राफ जो कि सी जी ऋषिकेश आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक वर्ड मीनिंग दिया गया है इस पर हम ध्यान देंगे. प्रहरा इज ए संस्कृत टर्म फॉर ए यूनिट ऑफ टाइम और सब डिवीजन ऑफ अ डे अप्रॉक्सीमेटली 3 hours लॉन्ग. द डे इज डिवाइडेड इन फोर प्रहरास फॉर द डे एंड फोर फॉर द नाइट. और इसी के साथ हमारी ये रीडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है. आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैराग्राफ था ये हमारा. और अब हम शुरुआत करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर से. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ दिस पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच. व्हाट डिड द हेड प्रीस्ट येल व्हाई डिड द हेड प्रीस्ट येल एट द मायोट. व्हाट एक्सप्रेशन वाज ऑफर्ड बाय द मायोट. ये हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. क्या बताया था हमने कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 30-40 वर्ड्स ईच होते हैं, तो यानी ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. तो अब इसमें क्या पूछा गया, जो हेड प्रीस्ट है वो येल्ड मतलब चिल्लाता क्यों है महोट के ऊपर, और वो जो महोट होता है उसने क्या एक्सप्लेनेशन ऑफर किया होता है. तो हम इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर क्या है, द हेड प्रीस्ट येल्ड एट द महोट बिकॉज ही हैज़ नॉट ब्रॉट द एलिफेंट एट द टावर गेट. द एलिफेंट वॉज नीडेड एट द टाइम बिकॉज इट वॉज टाइम टू कैरी द आइडियल्स अराउंड द प्रहराज. द महोट gave the explanation that animal was not willing to come. He has tried all the methods. अगर आप
ये है आंसर इसका है। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें दिया जाता है कि 30 से 40 वर्ड्स के साथ 50 से 60 वर्ड्स में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे? जो हमारा पीछे था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे था ये द रिचुअल बात जो हमें बताया था, इट हैज रिफ्यूज टू कम टू द पॉन्ड, कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स, ये जितना भी था ये भी लिख सकते हैं हम। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो हम उसकी तरफ ना ध्यान देके हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज केसवान्स डेली रूटीन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द टेंपल, ये क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए 1.1b नाम से लिखा हुआ है ये, एवरी डे इट वुड बी ऑन इट्स फीट विद ए मेरे प्रॉड फ्रॉम इट्स मेहॉट, इट वुड देन वॉक टू द पॉन्ड एंड अलाउ द मेहॉट टू वॉश एंड स्क्रब इट, back at the shed it would eat sugar cane, jaggery and fruits, then it would let the mehot apply vibhuti and sandal paste on it, its forest and trunk, then it would kneel and allow the cloth to be thrown over it and mount placed on its back, once ready हमें लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक ही बहुत है, ये यहाँ तक हमारा ख़त्म। अब बी क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब हम सी क्वेश्चन देखेंगे, How would Keshwan perform his duties as the temple elephant? ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, it would से, it would walk to the temple Gopuram and wait with mohawk till the priest's call came. People visiting the temple offer it bananas and coconuts. Some who wanted to be blessed would offer it coins. जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा यहाँ तक jostling crowd था, वो पेज जुड़ गया जॉस्टलिंग क्राउड तक। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डी क्वेश्चन है, व्हाट मेड द मेहॉट रियलाइज द कॉज बिहाइंड केसवान्स अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, ये मैंने लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए, गोपू मेहॉट सन मेड हिम रियलाइज द कॉज बिहाइंड केसवान्स अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, व्हेन ही केम होम टू हैव ब्रेकफास्ट ही फाउंड हिज सन प्लेइंग एंड आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई ही हैज Not gone to school. Her wife said that the child had just returned from a holiday and needed a little break before resuming his routine. Suddenly, the mehot understood why Keshwan has been recalcitrant. अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं वो वर्ड, ठीक है, जैसे मैंने अभी ट्राई किया, तो क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यही हमें आज सिखाया गया था। That morning, it who had just returned from a month-long camp and hence needed a break to return to his daily regimen. Regimen वाला daily work. अब हम कर लेते हैं 1.2. Answer the following questions. ये 4 marks के हैं. Which word in the passage, paragraph 2 of the passage means the same as bad temper? Bad temper मतलब off color. मतलब एकदम color उतर चुका हो. और सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड इन पैराग्राफ 3 ऑफ द पैसेज दैट इज एंटोनियम ऑफ चीयरफुल। चीयरफुल का क्या एंटोनियम होगा? एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, जो कि सल्किंग, मतलब चीयरफुल क्या होता है, बहुत खुश होने वाला, तो सल्किंग मतलब जैसे कि हमारा रिलक्टेंट एलिफेंट था, जो वो एलिफेंट था बिल्कुल सल्किंग था, मतलब बोरिंग सा था एकदम एक टाइप से। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज रेजिमेन ए फिजिकल एक्सरसाइज डन एवरी डे, इसका आंसर होगा ये। अब जो ये सब दिए गए हैं हमें, ये बहुत ज़्यादा मतलब उससे ये थे, जब आप भी अगर खुद करोगे तो देखोगे आप भी कन्फ्यूज होने लग जाओगे, आपका ध्यान भी गलत की तरफ जाएगा, इसलिए डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे डी क्वेश्चन, इफ समवन इज रिकैलिट्रेंट पैराग्राफ 7, ही और शी इज लेजी हेजिटेंट डिसोबीडिएंट डिसोबीडिएंट रिकैलिट्रेंट मतलब डिसोबीडिएंट था वो, हेजिटेटेड भी हो सकता था इसका, लेजी भी हो सकता था, मगर इसका असली आंसर। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल बटन दबाना ना भूलेगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो इसी के साथ मेरा आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है, जल्दी मैं इसका असाइनमेंट 2 के वीडियो लेके मिलूँगा आपके साथ, आपका दोस्त प्रियांश। Bye-bye.